Hello everyone. New topic. Topic name is issue of shares to vendor. Vendor कौन होता है? Seller. Suppose our company is purchasing one machinery from B Limited. कोई एक सेलर है जिसका नाम है वैभव मान लेते हैं, तो हम हमारी कंपनी किसी वैभव जो एक सेलर है उससे मशीन खरीद रही है, तो हमने उसको उधारी में आज खरीदी है हमने क्रेडिट बेसिस में, तो फ्यूचर में हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो फ्यूचर में हम कुछ पैसे दे दे रहे हैं और पैसों की जगह हम उसको शेयर दे देते हैं, तो जब हम किसी वेंडर को मनी की जगह अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं तो उस टॉपिक को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर और इशू ऑफ शेयर्स टू सेलर. टॉपिक नेम मीनिंग इज क्लियर. व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर टू सेलर और इशू ऑफ शेयर टू वेंडर? यस मैम. ओके, सो फर्स्ट एंट्री व्हाट वी आर गोइंग टू डू व्हेन वी आर परचेजिंग असेट, तो वी विल राइट असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर. जिस भी दुकानदार से सामान खरीदा है उसका नाम लिखेंगे हम. वेंडर की जगह क्या नाम लिखा होगा? सेलर का नाम जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं. सेकेंड एंट्री, अगर आप इस वेंडर को कुछ पैसे दे रहे हो कैश में, तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर आप चेक दे रहे होगे, टू कैश अगर आप उसको कैश दे रहे होगे, और टू बिल पेएबल भी हो सकता है अगर आप उसको बिल दे रहे होगे. तो जितने पैसे आप उसको कैश, चेक या बैंक के थ्रू दे रहे होगे तो वो आपकी सेकेंड एंट्री बन जाएगी. थर्ड एंट्री जो होगी, अब आप बचे हुए शेयर्स दे रहे हो, बचा हुआ अमाउंट शेयर्स में दे रहे हो, तो थर्ड एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कब होगा? इशू एट पार, जब आप शेयर्स किस में दे रहे हो? पार में दे रहे हो. या तो ये एंट्री होगी या आपकी ये एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. कब? जब आप शेयर्स किस में दे रहे हो? इशू एट प्रीमियम. पहले कंसेप्ट समझ लो फिर से एक बार, अगर डाउट है तो आप लोग पूछिए. सबसे पहले आपकी कंपनी ने एक मशीन खरीदी है और वो जो मशीन खरीदी है वो आपने उधारी में खरीदी है, क्रेडिट बेसिस में खरीदी है. तो जब हम क्रेडिट बेसिस में कुछ खरीदते हैं तो हमारी एंट्री होती है असेट टू वेंडर. इसलिए पहली एंट्री हमारी क्या हो रही है? असेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट. सेकंड, अब उस खरीदार को आप कुछ पैसे कैश में दे रहे हो, तो आप जितने पैसे कैश में दे रहे होगे तो उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश या टू बैंक, जो भी क्वेश्चन में बोला होगा. अब उसके बाद बचा हुआ अमाउंट जो है वेंडर को, वो आप शेयर्स में दे रहे हो. तो कल आपने समझे थे शेयर्स पार में भी हो सकते हैं और शेयर्स प्रीमियम में भी हो सकते हैं. अगर आप पार वाले शेयर्स दे रहे होगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. और अगर आप प्रीमियम वाले शेयर्स इशू कर रहे होगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. अब बताओ किस किस को समझ में नहीं आया और किस किस को समझ में आ गया? ओके बेटा, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल टिल how many questions we have done? Till 14 we have done, so today we are starting 15th question. Okay, so 15th question we are starting.
This arm rubbing, this you have written? Yes, ma'am. Okay, beta. See now, question is, Sundaram Limited purchased furniture for rupees 3 lakh. Aapne furniture kharida hai 3 lakh ka. From Ravindram. Ravindram aapka kaun hai? Vendor. Jisse kharida hai, wo kaun kehlata hai? Vendor. 1 lakh were paid by drawing a promissory note. To 1 lakh rupay आप प्रॉमिसरी नोट के थ्रू पे कर रहे हो. रिमेनिंग अमाउंट आप 10 रुपीस का एक शेयर इशू कर रहे हो, वो भी 25% प्रीमियम. पहले क्वेश्चन सुनो, समझो अच्छे से, फिर मैं समझा रही हूँ. सबसे पहले आपने फर्नीचर खरीदा है 3 लाख का, किससे? रविंद्रम से. तो पहली एंट्री होगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर. वेंडर का नाम क्या है? टू रविंद्रम. कितने का फर्नीचर खरीदा है? 3 लाख का. तो आप यहां लिख दोगे 3 लाख. फर्स्ट एंट्री में एनी डाउट? फर्स्ट एंट्री इज क्लियर टू एवरीवन? Second entry, now you are paying 1 lakh through check, promissory note. First entry, furniture to Ravindram will be there. Second entry, आप 1 lakh rupees promissory note के through pay कर रहे हो. तो मैंने second entry require vendor to cash, या vendor to bank, या vendor to bills payable. तो बताओ कौन सी entry होगी इसमें? Yes, we are issuing promissory note, मतलब बिल दे रहे हैं. तो वेंडर की जगह हमें नाम लिखना पड़ेगा. तो हम एंट्री करेंगे रविंद्रम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. तो 1 लाख रुपीस आपने पे कर दिए उनको. तो देखो आपको 3 लाख देने थे, अब आप 1 लाख दे चुके हो. तो कितने बचे? 2 लाख बचे. तो 2 लाख में हम थर्ड एंट्री करेंगे. हम यहाँ पे मैंने थर्ड एंट्री आपको एट पार वाली भी लिखवाई है और एक एट प्रीमियम वाली भी लिखवाई है. तो बताओ कौन सी वाली एंट्री होगी, पार वाली की प्रीमियम वाली? प्रीमियम, बिकॉज वी आर इशूइंग शेयर एट प्रीमियम. तो थर्ड एंट्री हमारी है वेंडर. तो वेंडर की जगह लिखेंगे रविंद्रम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और शेयर का नाम दिया है इक्विटी, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे. अगर नाम होता है तो शेयर का नाम लिखा जाता है. टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. पहले बताइए एंट्री में डाउट है, फिर मैं अमाउंट डालना सिखा रही हूँ, अमाउंट कैसे लिखेंगे. एंट्रीज आर क्लियर टू एवरीवन? दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? सी, फर्स्ट थिंग, रविंद्रम को हमें 3 लाख देने थे, जिसमें से आपने उसको 1 लाख दे दिए. तो अब हम रविंद्रम में कितने लिखेंगे? 2 लाख. हमें अब उसको कितना देना है? 2 लाख. अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने रहते हैं, तो उसका मैं एक फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ. फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू अमाउंट लेफ्ट टू पे टू वेंडर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर. तो बताओ अमाउंट कितना बाकी है देना? 2 लाख. एक शेयर की 10 रुपीज है, ये प्रीमियम में इशू हो रहा है, 25% प्रीमियम.
दैट मीन्स प्रीमियम कितना हो गया 2.5, तो एक शेयर 10 प्लस 2.5 दैट मीन्स 12.5, तो 12.5 का आपका एक शेयर बन गया है। एक शेयर आपका कितना बन गया है 12.5 रुपीस का। तो अब आपको मैंने लिखा है फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, दैट मीन्स आप इसको 12.5 से डिवाइड करो। तो एक पॉइंट हटा रही हूँ, एक जीरो लगा रही हूँ। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 25 1s are 25, 25 कितने सा हो जाएगा, 5 1s are 5, 5 8s are 40, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 6s are 30, तो आपके कितने शेयर्स हो गए, 16,000 शेयर्स। आ रहा है ये सबका, कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो, 16,000 शेयर्स। पहले बताओ कैलकुलेशन समझ में आई? देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, हमारे शेयर्स जो हैं प्रीमियम में इशू हो रहे हैं, 10 रुपीस का एक शेयर है, 25% प्रीमियम है, तो 10 रुपीस का 25% निकालो तो 2.5 रुपीस प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम ऐड कर देते हैं तो 10 रुपीस का शेयर प्लस 2.5 प्रीमियम, मतलब एक शेयर कितने का बन गया, 12.5। सो हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने रहते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट लेफ्ट टू पे टू वेंडर, 2 लाख रुपए देने बाकी हैं तो 2 लाख, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर, तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए नहीं अब 12.5 हो गई है, क्योंकि हम प्रीमियम वाले शेयर्स दे रहे हैं, तो 12.5 से डिवाइड करा तो हमने इसको 16,000 शेयर्स आ गए। अब इतना समझ में आ गया? अब यहाँ शेयर्स आ गए हैं, तो 16,000 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि शेयर कैपिटल 10 है। 16,000 शेयर्स को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि प्रीमियम 2.5 है। तो ये हो गया 1,60,000 और ये हो गया 40,000। तो टोटल आप कितने शेयर्स दे रहे हो, 16,000 शेयर्स दे रहे हो वेंडर को। टॉपिक इज क्लियर नाउ, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ओके, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा लिमिटेड। पूजा लिमिटेड ने असेट खरीदा है 6 लाख रुपीस का, और आप उसको शेयर्स दे रहे हो 100 रुपीस ईच फ्रॉम ईशा लिमिटेड। तो पहली एंट्री बताओ, असेट खरीदा है 6 लाख का ईशा लिमिटेड से, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, यस। तो वेंडर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ईशा लिमिटेड सेलर, असेट टू ईशा लिमिटेड, कितना अमाउंट, 6 लाख। फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई डाउट है? सेकेंड एंट्री यहाँ क्वेश्चन में करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनने बोला ही नहीं है कि कुछ उनने कैश दिया। बोला क्या कि कुछ कैश दिया या चेक दिया या प्रॉमिसरी नोट दिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो सेकंड एंट्री हमारी हट जाएगी। थर्ड एंट्री हमें करनी पड़ेगी, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है, बताओ यहाँ पे पार वाली करेंगे कि प्रीमियम वाली करेंगे, यस गुड। तो थर्ड एंट्री विल बी ईशा लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ईशा लिमिटेड में तो यही 6 लाख का 6 लाख आ जाएगा,
अब हमें नरेशन में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं. तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है अमाउंट लेफ्ट टू पे टू वेंडर. तो वेंडर को कितने पैसे देने हैं, 6 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर. तो एक शेयर कितने का है, देखो बताओ कितने का एक शेयर. 100 रुपीज. दैट मीन 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितने शेयर आ गए, 6000 शेयर्स. तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा हम उसको 6000 शेयर्स दे रहे हैं, एक शेयर 100 का है तो उसको 6 लाख रुपीज हमने पे कर दिए. क्लियर? सबको समझ में आ गया, पार वाला भी प्रीमियम वाला भी दोनों कंडीशंस आई हैड एक्सप्लेन नाउ. यस हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल. इफ क्वेश्चन मेंशन इक्विटी देन यू हैव टू राइट इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड. वी आर डिस्कसिंग ओरली देन आई एम एक्सप्लेनिंग वन अनदर क्वेश्चन. ये आप लोग साथ साथ में करते जाइए. कर्टन फ्रेम लिमिटेड परचेज असेट ऑफ 5,25,000 for which payment was made by issuing shares of 100 each at a premium of 5%. यहाँ वेंडर का नाम दिया है क्वेश्चन में क्या? नहीं दिया ना, बस कहा है कर्टन लिमिटेड ने खरीदा, बट किससे खरीदा वो नाम नहीं दिया. अगर नहीं दिया है तो हम वेंडर वर्ड यूज करेंगे. तो हमारी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिटेड. असेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, क्योंकि वेंडर का नाम दिया ही नहीं है. कितने का सामान खरीदा, 5,25,000. सो हमारी एंट्री हो जाएगी 5,25,000. सेकेंड एंट्री बताओ, फिर नहीं होगी क्योंकि इमीडिएटली पेमेंट नहीं हुई. तो हम सीधे थर्ड एंट्री पे शिफ्ट हो जाएंगे. थर्ड एंट्री में पार होगी कि प्रीमियम होगी, प्रीमियम. दैट मीन्स व्हाट विल बी द एंट्री, टेल मी. यस, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. अब हम अमाउंट बताओ कैसे निकालें. फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रीमियम उनने कहा है 5%. तो सबसे पहले तो प्रीमियम की वैल्यू निकालनी पड़ती है. कैसे निकालते हैं, एक शेयर 100 का है, 5% प्रीमियम बोला तो 5/100 मतलब प्रीमियम कितना बन गया, 5 रुपीज. तो एक शेयर 100 का है, 5 रुपीज प्रीमियम ऐड करो तो अब आपका एक शेयर कितने का बन गया, 105. कितने का बन गया, ये समझ में आया कैसे निकाला. अब अमाउंट लेफ्ट टू पे टू वेंडर, तो कितना अमाउंट लेफ्ट है पे करने के लिए, 5,25,000. वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड कर लो 105 से, तो कैंसिल करो आपका कितना आ जाएगा, 5,000 शेयर्स. कितना आ जाएगा, तो वेंडर में तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी 5,25,000, शेयर में आ जाएगी 5,000 इंटू 100 और प्रीमियम में आ जाएगी 5,000 इंटू 5. तो ये आपका हो गया 5 लाख और ये हो गया आपका 25,000. आया सबको समझ में कि नहीं आया बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? ओके बेटा, ओके. सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू अनदर सम एंड अनदर सम. नाउ यू कैन डू बाय योरसेल्फ. आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली
क्वेश्चन नंबर 22 की जगह क्वेश्चन नंबर 24 समझा रही हूँ, वो समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो नाउ आई एम चेंजिंग सम एंट्रीज। अभी हम पहली एंट्री क्या लिखते हैं, असेट टू वेंडर, यही लिखते हैं फर्स्ट एंट्री हम, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये एंट्री लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। बट अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटीज भी दी होगी तो हम एंट्री क्या करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, क्या एंट्री करेंगे, असेट अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, फर्स्ट एंट्री हमारी ये बनेगी। अब आपको मान लो वेंडर में हमें क्या लिखना पड़ता है, परचेज कंसिडरेशन, क्वेश्चन में दिया होगा, तो परचेज कंसिडरेशन मतलब जितने में उसने आपका बिजनेस खरीदा वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। अब सपोज मान लो जैसे असेट है आपके 15 लाख के, लाइबिलिटी है आपकी 5 लाख की, वेंडर है आपका 8 लाख का। ओके लिसन अगेन आई एम सेइंग, सपोज नाउ यू थिंक असेट आपको क्वेश्चन में दिए हैं 15 लाख के, वेंडर को आपको देना है 8 लाख रुपीस और लाइबिलिटीज हैं 5 लाख, तो हमने ये वैल्यूज उनके सामने लिख दी। आफ्टर दैट वी आर नोइंग रूल दैट डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज कम इक्वल, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आता है, तो देखो हमारा क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है, डेबिट में 15 लाख है और क्रेडिट में कितना हो रहा है 13 लाख, तो हमारा क्रेडिट में कुछ डिफरेंस बच रहा है। अगर क्रेडिट में डिफरेंस बचेगा तो हम उसको किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व, किस नाम से लिखा जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व। और बाय चांस अगर डेबिट में डिफरेंस बचता तो डेबिट में किस नाम से लिख दिया जाता, गुडविल, क्या लिख दिया जाता, गुडविल। सो ये फर्स्ट एंट्री अब हमारी चेंज होगी, बाकी वो दो एंट्रीज एज इट इज सेम रहेगी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस एंट्री, लिसन इट केयरफुली, टिल नाउ वॉट एवर क्वेश्चन वी हैव डन इन दैट अलोन असेट्स आर गिवन, बट नाउ वॉट एवर वेराइटी लास्ट थ्री सम्स आर, दे आर गिविंग असेट इवन लाइबिलिटीज ऑल्सो, तो इफ दे आर गिविंग यू लाइबिलिटीज ऑल्सो, सो आर जर्नल एंट्री विल बी ऑल असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, असेट में हम असेट की वैल्यू लिखेंगे, लाइबिलिटी में हम लाइबिलिटी की वैल्यू लिखेंगे, वेंडर में हम परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू लिखेंगे। आफ्टर दैट वी विल बैलेंस, इफ डेबिट इज मोर एंड क्रेडिट इज लेस देन वी विल बी बैलेंसिंग बाई द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व, एंड इफ क्रेडिट इज मोर एंड डेबिट इज लेस देन वी विल बी बैलेंसिंग बाय द नेम ऑफ गुडविल। क्लियर नाउ दिस मच? ये सबको समझ में आ गया ना? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट क्वेश्चन, दिस एंट्री आई एम रबिंग एंड वी आर डूइंग 24th क्वेश्चन, रिटन दिस। ओके बेटा, सी नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, लिसन द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट वी हैव टू डू नाउ। 24th क्वेश्चन इज सेइंग अस एग्जिट लिमिटेड परचेज्ड आवर रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स सिक्का एंड सन फॉर अ सम ऑफ 30 लाख, पेबल 24 लाख इन फुली पेड अप शेयर्स एंड 10 बैलेंस थ्रू चेक। रुको ये थोड़ा बहुत हाई लेवल हो जाएगा, इसकी जगह 23 क्वेश्चन पहले करें, पहले 22 ही करा रही हूँ बेटा, होने तो एकदम हाई बन जाएगा। 22 क्वेश्चन में कहा है समाचार इंडिया लिमिटेड टुक ओवर द असेट ऑफ 14 लाख
and liabilities of 4 lakh. Purchase consideration is 9,19,000. तो बताओ first entry क्या बन जाएगी? Yes, asset account debit to vendor to liability. तो asset कितने हैं? 14 lakh. Liability कितनी है? 4 lakh. और vendor ने कितने का business खरीदा है? 9,19,000. अब देखो कहाँ balance बच रहा है? क्रेडिट में ही बच रहा है डिफरेंस. तो क्रेडिट में किस नाम से बैलेंस को लिखेंगे? फर्स्ट एंट्री इज क्लियर. सेकेंड एंट्री दे सेड समाचार लिमिटेड इशू प्रॉमिसरी नोट फॉर 17,000. अब समाचार लिमिटेड ने 17,000 का प्रॉमिसरी नोट इशू करा है इन फेवर ऑफ न्यूज लिमिटेड. तो वेंडर का नाम न्यूज लिमिटेड है तो हमें न्यूज लिमिटेड लिखना पड़ेगा. वेंडर का नाम अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही लिखना पड़ता है. तो अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? यस, न्यूज लिमिटेड टू बिल्स पेबल. कितने का बिल दे रहे हैं? 19,000 का. तो ये भी आ गया समझ में. अब लास्ट में कहा है बैलेंस जो है आप शेयर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम वाले. तो थर्ड एंट्री क्या बन जाएगी? न्यूज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. एक शेयर 100 का है, 25 रुपीज प्रीमियम है. तो बताओ कितने का एक शेयर बन गया? 25. न्यूज लिमिटेड को कितने पैसे दे रहे हैं? देखो न्यूज लिमिटेड को 9,19,000 देना था जिसमें से 19,000 तो दे दिया. तो अब कितने पैसे देने हैं? 9 लाख. तो फॉर्मूला अप्लाई करिए. 9 लाख डिवाइडेड बाय 125. कितने शेयर्स आ जाएंगे आपके? डिवाइड करो बताओ कितने शेयर्स आ रहे हैं? 10,000. नहीं, 7,200. तो आप शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. और प्रीमियम में 25 से. ठीक है, तो इट विल बी 7,20,000 एंड 1,80,000. नाउ इट्स क्लियर. सबको समझ में आ गया? Okay. Keep studying.